नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। राजस्थान में मानसून को भादो रास आ गया है। प्रदेश में बीते दो दिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, राजसमंद, सिरोही में अच्छी बरसात हुई है। बांसवाड़ा में सुबह का रविवार को तीसरे दिन भी बारिश जारी है। सुबह 8:30 बजे से 24 घंटे तक भूंगरा में 360 मिमी, घटोल में 304 मिमी, जागपुरा में 261, सज्जनगढ़ में 200 मिमी, लोहरिया में 191, घड़ी में 182, बांसवाड़ा में 180, बागीदौरा में 164, दानपुर में 157 बारिश हुई है। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट में 278 मिमी, झालावाड़ जिले में 172 मिमी बारिश हुई है। चंबल में पानी की आवक जारी है। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से चंबल में नदी की पानी की आवक लगातार जारी है। चंबल नदी के गांधी सागर में एक साथ सीजन के सबसे ज़्यादा पानी की आवक हुई है। यह रात सुबह 3,03,000 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई थी। गांधी सागर का जलस्तर 1300 फीट पर पहुंच गया। बांध का अधिकतम जलस्तर 1312 फीट तक पहुंच गया है। रावत भाटा जल संसाधन विभाग के नियंत्रण कक्ष के अनुसार रविवार दिन में 11 बजे गांधीनगर सागर का जल स्तर 1300 नजदीक पहुंच गया था। राणा प्रताप बांध सागर जल स्तर 1144 फीट तक पहुंच गया है। यहां शनिवार को 50,000 से उसे पानी की आवक शुरू हुई है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि यहां आज रहेगा बारिश का जोरदार असर। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पूर्वी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर जिलों के भारी बारिश से अत्यधिक बारिश होने के रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान में जालोर, पाली जिलों में भारी से अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाड़मेर, पाली, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों में स्थानों पर भारी से अधिक बारिश और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, साथ ही आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों में रावत भाटा में 58 mm और गांधी सागर में 99 mm, जवाहरलाल में 29, कोटा बैराज में 42 mm बारिश हुई है। राणा प्रताप सागर बांध में अभी भी कुल बारिश 576, गांधी सागर में 680 mm बारिश हो चुकी है। पार्वती पर्वन उफान पर बारा में कई रास्ते बंद हो गए हैं। बारा में बरसात होने तथा मध्य प्रदेश में हो रही बरसात के कारण पार्वती पर्वन नदियां उफान पर है। पर्वन में पानी बढ़ने से बारा, झालावाड़, मेगा हाईवे पर बवा पर पुलिया डूबी। मध्य प्रदेश में मोहनपुरा डैम से पानी छोड़ने के बाद पर्वन नदी उफान पर है। जालौर जिले के कई गांवों में पानी भर गया। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ये जालौर जिले के किसी गांव के हैं जहां पर खूब वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में। छोटी छोटी नदियों में पानी भर आया है, किसान परेशान है, किसानों की फसलें खराब हो रही है। इस बीच सरकार उन्हें क्या राहत देने के लिए कोशिशें कर दी है, हम आपको बताते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। क्योंकि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए आपको हम लाते हैं मौसम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें। साथ ही किसानों के लिए क्या करते हैं सरकार, वो भी आपको हम बताते हैं। झालावाड़ जिले में शनिवार को मानसून झूमकर बरसा। जिले में सर्वाधिक बारिश डग में 6 इंच, गंगाधर में 4 रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार बारिश से पुलिया और रपटों पर पानी से आने के कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। कालीसिंध में पानी की आवक तेज होने पर शनिवार को कालीसिंध डैम के 8 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इधर खोली कालीसिंध नदी रपट पानी आने से चोमला रावतपुरा मार्ग जाम हो गया है। इसके चलते मध्य प्रदेश शिवापुरा मार्ग कट गया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे जगह है जहां पर उनसे आवाजाही कट गई है और संपर्क कट चुका है। रुकेगी और कब फिर से यहां पर आना जाना आवाजाही स्टार्ट होगी, तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।